गलाफी काबा की तब्दीली के पुरवकार मनाजिर आपको बराए रास्त दिखाते हैं मक्का मुकरमा में। इस वक्त गलाफ काबा की तब्दीली के रू परवर मनाजिर आप देख रहे हैं और गलाफ काबा के तब्दील किया जाना होता है और हर साल गलाफ काबा की तब्दीली के रू परवर मनाजिर आप देखते हैं और मक्का मुकरमा में इस वक्त गिलाफ काबा की तब्दीली के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। नए इस्लामी साल है ये और इसमें गिलाफ काबा की तब्दीली के ये मनाजिर आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर। नमाज इशा के बाद गिलाफ काबा की तब्दीली का आगाज़ किया गया। गिलाफ़े काबा की तब्दीली के ये रूह परवर मनाजिर आप देख रहे हैं। पहली बार यकुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ़े काबा तब्दील किया जा रहा है। शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस की निगरानी में गिलाफ़े काबा की तब्दीली का ये अमल जारी है। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में 200 कारीगरों ने गिलाफ़े काबा तैयार किया। गिलाफ़ का साइज़ 658 मुरबा मीटर और 47 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। गिलाफ की तैयारी में तकरीबन 670 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल हुआ है। नए गिलाफ की तैयारी में 2,50,00,000 रियाल तक की लागत का तखमीना लगाया जा सकता है। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर गिलाफ काबा की तब्दीली के ये पुरवकार मनाजिर आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर। पहली बार यकुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ काबा तब्दील किया जा रहा है। शेख अब्दुर्रहमान सदेश की निगरानी में गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।